नमस्कार दोस्तों, मैं बख्शीश सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गजानन सर में। अपना जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, वो राज्य व्यवस्था के टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान का जो कार्मिक विकास है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। कल जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो टॉपिक स्टार्ट किया था भारतीय संविधान के संबंध में बनाए गए जो अंग्रेजी अधिनियम है वो हम पढ़ रहे थे। कल जो हमने चर्चा की थी दोस्तों, वो पहले अधिनियम के ऊपर चर्चा करी थी। कौन से अधिनियम के ऊपर हमने चर्चा करी थी वो देख लेते हैं। कल जो हमने चर्चा करी थी दोस्तों, वो अधिनियमों के ऊपर चर्चा करी थी। टॉपिक जो था वो हमारा था अधिनियम। और अधिनियम के टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला जो अधिनियम बनाया गया था वो 1773 में बनाया गया था। 1773 में पहला अधिनियम बनाया गया था। और 1773 के अधिनियम के जो प्रावधान थे वो हमने पढ़े थे। इस अधिनियम का नाम जो है इसको रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। कौन से एक्ट के नाम से? रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसके पांच प्रावधान जो है मुख्य प्रावधान हमने पढ़े थे। बहुत अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ लिया था हमने। पहला प्रावधान मैंने आपको बताया था बी ओ डी के बारे में व बी ओ सी के बारे में। थोड़ा सा फटाफट रिपीट कर रहा हूँ ताकि पीछे वाली चीज़ें कनेक्ट हो जाए। दूसरा जो प्रावधान बताया था मैंने, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के बारे में। तीसरा जो प्रावधान बताया था सुप्रीम कोर्ट, दूसरा जो प्रावधान था वो सुप्रीम कोर्ट स्थापना की हमने बात करी थी। तीसरा जो प्रावधान बताया था मैंने वो मैंने आपको बताया था गवर्नर जनरल के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में। चौथा जो हमने प्रावधान पढ़ा था वो जनरली हमने सुप्रीम कोर्ट के बारे में ही बात करी थी, या सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो हमने बात करी थी। मैंने आपको कहा था कहाँ स्थापित किया गया था सुप्रीम कोर्ट? फोर्ट विलियम नामक स्थान पर। कहाँ? कलकत्ता में। ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था कल दोस्तों। और चौथा जो प्रावधान मैंने डिस्कस किया था वो गवर्नर से संबंधित, गवर्नर की काउंसिल, काउंसिल ऑफ गवर्नर, या मैं कह दूं गवर्नर की परिषद के संबंध में, गवर्नर की परिषद के संबंध में हमने जिक्र किया था। चार सदस्य इसमें हुआ करते थे, बहुत अच्छे से हमने जिक्र किया था। चार प्रावधान हमने पढ़े थे। पांचवा जो अधिनियम का प्रावधान जो था वो ये प्रावधान था, जिक्र भी आपने किया था। मैंने कहा था आपको कि पांचवा जो प्रावधान है वो ये था कि कंपनी जो है वो प्रत्येक वर्ष क्या देगी? रिपोर्ट देगी। प्रत्येक वर्ष क्या देगी? प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन देगी। किसको देगी प्रतिवेदन? ब्रिटेन की संसद को। कौन से मामले के प्रतिवेदन देगी? प्रतिवेदन दो तरीके के मुख्य, अगर मामले की मैं बात करूं, दीवानी मामलों की बात करूं, और मैं अगर बात करूं राजस्व के संबंधित मामले जो हैं, और तीसरा अगर मैं मामला बात करूं तो सेना के संबंध में, राजस्व के मामले में, और दीवानी मामलों के जो जितने भी मामले हैं इनके प्रतिवेदन संसद को दिए जाएंगे कंपनी द्वारा। प्रतिवेदन कहने का मतलब कि भारत में दीवानी यानी आप जमीन जायदाद के संबंध में चीज़ें क्या चल रही हैं, कर के संबंध में, राजस्व यानी कर के संबंध में चीज़ें भारत में क्या चल रही हैं, सेना के संबंध में क्या रूल बनाए जा रहे हैं, क्या हटाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रत्येक वर्ष किसको जानकारी दी जाएगी? ब्रिटेन की संसद को। और जानकारी देगा कौन? ये कंपनी। ये रूल बनाया गया था कि अब के बाद प्रत्येक वर्ष कंपनी संसद को प्रतिवेदन देगी। सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी वो ये थी कि अब छठा जो प्रावधान है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि अब ब्रिटेन के किसी भी व्यापारी को, किसी भी व्यापारिक संगठन को भारत में व्यापार करना है तो इसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यहाँ से आप कह सकते हो कि पहली बार लाइसेंस प्रणाली की शुरू करेगी। ये तय किया गया कि यदि भारत में कोई व्यापारी व्यापार करना चाहता है तो उसे व्यापार करने के लिए क्या लेना होगा? लाइसेंस लेना होगा। 1773 के अधिनियम के माध्यम से पहली बार लाइसेंस प्रणाली की शुरुआत भी करी गई थी दोस्तों। ये मुख्य प्रावधान थे किसके संबंध में? पहले अधिनियम के संबंध में, रेगुलेटिंग के संबंध में। पहला मैंने क्या बताया आपको प्रावधान? बी ओ डी और सी ओ पी बताया था मैंने दोस्तों। यहाँ पे सी ओ पी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, बी ओ डी सी ओ पी। मैंने ये भी कहा था बी ओ डी के बारे में 24 सदस्य कहाँ से होते थे ये मैंने बता दिया था आपको, ठीक है। और सी ओ पी के लिए कंप्लीटली कौन जिम्मेदार होता था? संसद जिम्मेदार होती थी। यानी सी ओ पी के सदस्यों का चुनाव कौन करता था? संसद। और ये सी ओ पी किसका चुनाव करती थी भाई? सी ओ पी चुनाव करती थी इन सदस्यों का। ये मैंने आपको
कल बता दिया था। उसके बाद दूसरा जो प्रावधान मैंने कहा था सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी फोर्ट विलियम नामक स्थान पे कलकत्ता में। उस समय सुप्रीम कोर्ट में चार न्यायाधीश हुआ करते थे, एक मुख्य न्यायाधीश, तीन अन्य न्यायाधीश जिनका नाम हमने बहुत अच्छे से कल डिस्कस किया था, कौन से तीन न्यायाधीश थे, कौन से एक मुख्य न्यायाधीश थे। फिर मैंने आपको ये भी बताया था गवर्नर के बारे में बताया था और गवर्नर जनरल के बारे में बताया था, बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों इसके बाद हमने पढ़ा था गवर्नर जनरल की परिषद के बारे में मैंने बताया था। गवर्नर की सलाह हेतु एक चार सदस्यों का क्या करा गया, कमेटी बनाया गया, जिसे गवर्नर की परिषद कहा गया, गवर्नर काउंसिल भी इसे आप कह सकते हैं। चार सदस्यों का जो काम होता था वो गवर्नर को सलाह देना होता था कानूनों के संबंध में। ये चार सदस्य क्या देते थे, गवर्नर को राय देते थे और गवर्नर यहाँ पे क्या करता था, निर्णायक मत का प्रयोग करता था। ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कल चार प्रावधान हमने पढ़े थे, दो प्रावधान आज हमने पढ़े हैं, पांचवां व छठा जो प्रावधान है वो आज पढ़ा है, क्लियर है। पांचवां प्रावधान क्या था, प्रत्येक वर्ष कंपनी क्या करेगी, प्रतिवेदन देगी, किसको देगी, ब्रिटेन की संसद को, कि हमारे यहाँ इन तीनों मामलों में क्या चल रहा है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण या अंतिम जो इस प्रावधान जो था इस अधिनियम का, वो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था कि अब यदि भारत में किसी को व्यापार करना है तो उसको क्या करना होगा, लाइसेंस लेना होगा, क्लियर है। दोस्तों आगे जो अधिनियम पारित किया गया है, आगे वाला जो अधिनियम आया वो था 1781 का अधिनियम। कौन सा अधिनियम, 1781 का अधिनियम। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, फटाफट मुझे जवाब दीजिए। देखिए होता यूँ है कि सामान्यतः जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप आप जितने भी ऐसे एग्जामिनेशन देते हैं जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव्स क्लिक करने हैं, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हैं या विकल्प आपको दिए जाएंगे, तो वहाँ आपको ज़्यादा चीज़ों को समझने में दिक्कत नहीं होती। वहाँ आपके सामने चार ऑप्शन दिए जाएंगे और आप एक ऑप्शन को क्या कर दोगे, क्लिक कर दोगे। लेकिन अगर कहीं भी आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ जाए, जैसे आप आरएस मेंस लिख रहे हो, आप यूपीएससी मेंस लिख रहे हो, तो वहाँ कई बार आपसे कारण पूछा जाता है कि कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ था। तो अगर मैं बात करूँ, अगला जो अधिनियम बनाया गया 1784 का जो अधिनियम बनाया गया दोस्तों, 1784 की हम लोग बात कर रहे थे दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1784 के अधिनियम की, 1784 का जो मुख्य अधिनियम है वो उस अधिनियम का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। लेकिन उससे पहले एक अधिनियम आया था, कौन सा अधिनियम, 1781 का अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी उसे कहा जाता है। अब आपको बताना ये है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, सेटलमेंट का मतलब तो आप शब्द से ही स्पष्ट समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था में कोई खामी है और उस खामी को दूर करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं अधिनियम बनाया होगा। तो 1781 का जो अधिनियम है इसका नाम ही क्या है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यानी कहीं ना कहीं 1773 में जो अधिनियम बनाया गया था, 1773 के अधिनियम को कहीं ना कहीं आप कह सकते हो सेटल करने के लिए, सही करने के लिए, यानी 1773 के अधिनियम की जो गलतियां रह गई थी, त्रुटियां रह गई थी, उनको सही करने के लिए 1781 में अधिनियम बनाया, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइएगा, तब तक मैं प्रावधान लिख देता हूँ 1781 के अधिनियम के। मुझे कमेंट करके बताइए कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, उस एक्ट के बारे में कौन सी कमेटी बनाई गई थी, कौन सी कमेटी ने कहा था कि आपको 1773 के अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता है। जिन भी लोगों ने राजव्यवस्था के बारे में पढ़ रखा है वो फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था वो 1781 में बनाया गया है ना। 1781 में जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, उस एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में कौन सी कमेटी ने ये कहा था, सुझाव दिया था कि भाई आपको कुछ संशोधन करना है, 1773 के अधिनियम में संशोधन करना चाहिए, और उसी कमेटी के सुझाव पर 1781 का अधिनियम बनाया गया। फटाफट मुझे बताइए कि 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के संबंध में सुझाव कौन सी कमेटी ने दिया था। चलिए मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट अधिनियम की, अधिनियम नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, इसे मैं क्या कह सकता हूँ, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या कह सकता हूँ दोस्तों, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट नाम से स्पष्ट है, मैंने आपको पहले कह दिया सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब हुआ यूं था, ये समझ लीजिए कि 1773 का जो अधिनियम था, 1773
73 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में जो त्रुटियां रह गई थी, इस अधिनियम में जो गलतियां रह गई थी, उन गलतियों को सुधारने के लिए, उन गलतियों को सुधार करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। और उन गलतियों को सुधारने के लिए यानी उन गलतियों को सेटल करने के लिए, उन गलतियों को व्यवस्थित करने के लिए, सुधार करने के लिए अधिनियम बनाया गया था। इसीलिए इस अधिनियम को क्या कहा जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। दोस्तों फटाफट उम्मीद फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था उसका सुझाव कौन सी कमेटी ने दिया था। और थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये जो सुझाव दिया गया था वो ब्रिटेन की सीनेट, ब्रिटेन की जो सीनेट है, ब्रिटेन की सीनेट में ही कमेटी बनाई गई थी। अब उस कमेटी का नाम बता दीजिए फटाफट मुझे, वो कमेटी जो है वो बनाने वाला, जो सुझाव देने वाली कमेटी थी वो कौन सी कमेटी थी। ठीक है, उस कमेटी का मैं नाम आपसे पूछना चाहता हूँ, और उस कमेटी की जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष थे वो कौन थे, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए। इससे पहले मैं वो प्रावधान लिख देता हूँ, इस अधिनियम के प्रावधान लिख देता हूँ, और उसके बाद देखता हूँ कि आपके जवाब जो हैं कैसे आते हैं। चलिए, इस एक्ट के तीन मुख्य प्रावधान थे। तीन मुख्य प्रावधान क्या थे? पहला प्रावधान हमने पढ़ा था दोस्तों पिछले अधिनियम में, कि पिछले अधिनियम में हमने पढ़ा कि भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, या मैं कह दूं भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करी गई, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करेगी। ये हमने पिछले जो एक्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने जिक्र किया था। ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से तय किया गया दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का निर्णय देता है, सर्वोच्च न्यायालय किसी भी प्रकार का निर्णय देता है, तो अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय लोगों की, अपने निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय लोगों की कहीं ना कहीं सांस्कृतिक व धार्मिक हितों को ध्यान में रखना होगा, धार्मिक हितों को ध्यान में रखना अनिवार्य है। यानी भारत में सर्वोच्च न्यायालय अगर किसी तरीके का कोई भी निर्णय देता है, तो निर्णय देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ये ध्यान रखे कि भारत के जो सांस्कृतिक व धार्मिक जो हित हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाया जाए। सबसे पहला प्रावधान ये था। दो प्रावधान लिखने से पहले एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। मैंने आपसे पूछा है कमेंट बॉक्स में, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, मैंने आपसे पूछा है कि जो 1781 का जो अधिनियम आया था, 1781 लिख देता हूँ, 1781 का जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट आने का कारण जो था, वो कमेटी जो थी, उस कमेटी का नाम क्या था, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे मुझे बताइए। ठीक है, और मैंने आपको बताई दिया थोड़ा सा कि जो कमेटी है वो कहीं ना कहीं कहाँ बनी थी, सीनेट में ही बनाई गई थी, सीनेट मतलब ब्रिटेन की संसद में ही बनाई गई थी। फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए उस कमेटी का नाम क्या था। इससे पहले मैं अगले जो प्रावधान लिख देता हूँ, दूसरा जो प्रावधान था, दूसरा प्रावधान हमने पिछले क्लास में या पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था कि गवर्नर की परिषद बनाई गई थी, गवर्नर की परिषद बनाई गई थी, गवर्नर की परिषद बनाई गई थी, ये हमने पढ़ा था। और मैंने ये भी कहा था कि जो गवर्नर की परिषद थी, गवर्नर की परिषद के पास क्या होता था, विधि निर्माण करने का अधिकार होता था। क्या निर्माण होता था? विधि निर्माण करने का अधिकार होता था। हाँ ठीक है कि गवर्नर की परिषद जो है जब विधि निर्मित करती थी तो कहीं ना कहीं जवाबदेही होती थी, उत्तरदायी होती थी। किसके प्रति? ये जो संस्था है वो कहीं ना कहीं उत्तरदायी हुआ करती थी। किसके प्रति? BOD के प्रति, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रति उत्तरदायी हुआ करता था। कौन उत्तरदायी हुआ करता था? आपका गवर्नर का परिषद। लेकिन विधि निर्माण का अधिकार किसको था? गवर्नर की परिषद को था। अब देखिए, होता यूं है कि अगर विधि का निर्माण किया जाएगा, कानून का निर्माण किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कानून में दो तरीके के पहलू बन सकते हैं। हो सकता है कि वो कानून गलत हो सकता है कि वो कानून सही हो सकता है वो कानून गलत हो सकता है वो कानून सही हो। अब अगर कोई कानून गलत होगा तो जाहिर सी बात है गवर्नर की परिषद कोई कानून बनाएगी। अगर वो कानून गलत है और कोई व्यक्ति उस कानून के संबंध में अगर कोर्ट चला जाता है, न्यायालय चला जाता है, तो न्यायालय को अधिकार था 1773 तक, 1773 में अधिनियम जो बनाया गया उसके तहत अधिकार था कि न्यायालय क्या कर दे, गवर्नर की परिषद द्वारा जो निर्मित विधि है उसको आप खारिज भी कर सकते हैं, न्यायालय को अधिकार था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि इस अधिनियम के माध्यम से तय किया गया कि यदि गवर्नर की परिषद है, गवर्नर की परिषद अपना कोई भी मतलब कानून बना रही है, किसी भी चीज़, किसी भी विधि का निर्माण कर रही है, कोई भी कार्य कर रही है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, आप कह सकते हैं कि गलत या सही दोनों ही स्थितियों में जो न्यायालय है वो, जो गवर्नर की परिषद है,
न्यायालय जो है वो गवर्नर की परिषद में क्या नहीं करेगा, आप कह सकते हैं इंटरफेयर नहीं करेगा, दखलंदाजी नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब जो गवर्नर की परिषद के निर्णय हैं उसको क्या कर दिया गया, न्यायालय के दायरे से बाहर कर दिया गया। कौन से न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट या मैं कह सकता हूँ सर्वोच्च न्यायालय के दायरे से क्या कर दिया गया, बाहर कर दिए गए दोस्तों। तीसरा जो इसका मुख्य प्रावधान था, तीसरे अगर प्रावधान की बात करूँ तो पिछले प्रावधान में हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट तो जितने भी अंग्रेजी क्षेत्र हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं निर्णय दे सकता है। तो अंग्रेज सरकार को लगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को इतनी स्वतंत्रता दी जाएगी तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि कहीं किसी मामले में सरकार के आमने सामने, सरकार और कोर्ट को आमने सामने आना पड़े। इसलिए रूल बनाया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है, 1773 में ऐसा कोई रूल नहीं था, अब ये रूल किया गया कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है, अब जो न्यायालय है वो राजस्व के संबंधित जो मामले हैं, किसके संबंध में जो मामले हैं, राजस्व के संबंध जो मामले हैं, राजस्व के संबंध में जितने भी मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। राजस्व के मामले किसके दायरे से बाहर रखे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर रखे जाएंगे। तीन मुख्य प्रावधान थे। पहला प्रावधान मैंने क्या बताया, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय जो है अगर कोई निर्णय देगा तो उसे भारतीय लोगों की संस्कृति व धार्मिक हितों को, सांस्कृतिक व धार्मिक हितों को ध्यान में रखना होगा। दूसरा निर्णय क्या था, गवर्नर की परिषद जो है जो भी विधि निर्माण करेगी या जो भी कार्य करेगी, गवर्नर की जो परिषद है उसके द्वारा बनाए गए जो निर्णय हैं या बनाए गए जो नियम हैं उनको न्यायालय के दायरे से बाहर रखा गया, यानी आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। दूसरा ये भी कहा, तीसरा ये भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो राजस्व संबंधी मामलों को नहीं देखेगा, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से राजस्व संबंधित मामले क्या कर दिए गए, बाहर कर दिए गए। तीसरा जो मुख्य प्रावधान था ये था, और इन्हीं तीनों प्रावधानों को मिलाकर जो अधिनियम बनाया गया था उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया दोस्तों, 1781 में बनाया गया था। अगर मैं बात करूं जो मैंने आपसे अभी प्रश्न में पूछा था कि कौन सी जो कमेटियां बनाई गई, तो याद रखिएगा ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये क्यों आया, क्योंकि ब्रिटेन की जो सीनेट है, सीनेट समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना, सीनेट क्या है, जिस प्रकार भारत में हमारी जो पार्लियामेंट है उसको हम, यानी कानून बनाने वाले संस्था है उसको हम पार्लियामेंट या संसद कहते हैं, उसी तरीके से ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, सीनेट। जिस प्रकार हमारी जो संसद है उसमें दो पार्ट हैं, दो भाग हैं। कौन से भाग हैं हमारी संसद में, थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ आपको। मैं बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की संसद की, ठीक है, ब्रिटेन की अपने संसद का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ आपको, अपने संसद की बात कर रहा हूँ। संसद में आपको पता है संसद के दो सदन हैं, कौन से, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। उसी प्रकार ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार हमारी जो कानून बनाने वाली संस्था है उसको संसद कहा जाता है, उसी प्रकार ब्रिटेन की कानून बनाने वाली संस्था को क्या कहा जाता है, सीनेट कहा जाता है। हमारा जो निचला सदन है, जनप्रतिनिधि सदन है, उसको क्या कहा जाता है, लोकसभा कहा जाता है। लेकिन वहां पे जो सीनेट है उसमें हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन। ब्रिटेन की संसद में जो निचला सदन है, छोटा जो सदन है, जैसे भारत में लोकसभा है वहां क्या है, हाउस ऑफ कॉमन है। भारत में राज्यसभा है वहां हाउस ऑफ लॉर्ड है, वहां क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड। ध्यान रखिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। इन शॉर्ट में कहूं, अगर संक्षिप्त में मैं कह दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो ये है ये हाउस ऑफ लॉर्ड है, HOL, ठीक है, और ये जो है आपका HOC, हाउस ऑफ कॉमन, ठीक है। ब्रिटेन की संसद के दो भाग हैं, दो सदन हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। ध्यान रखिएगा, जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, दोस्तों, तो उस समय क्या हुआ था कि उस एक्ट में कुछ त्रुटियां रह गई थी। कौन सी त्रुटियां, मैंने आपको बताई है, ये त्रुटियां दूर की गई, ये कमियां दूर की गई। तो उन त्रुटियों के संबंध में एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी का जो नाम मैं कह सकता हूँ, उस कमेटी का नाम था, सीनेट में कमेटी बनाई गई जिसका नाम था परवर समिति। क्या नाम था, परवर समिति, कमेटी का नाम था दोस्तों परवर समिति। और इस परवर समिति कहीं ना कहीं अध्यक्षता कर रहे थे एडमंड वक। इस एडमंड वक ने कहा था
कि इस 1773 के अधिनियम में कुछ कमियां हैं, 1773 का जो अधिनियम है उसमें कुछ क्या हैं, कमियां हैं, और उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए। 1773 के अधिनियम में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर किया जाना चाहिए, और इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए क्या करा गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो अधिनियम है वो लाया गया था। दोस्तों चलिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया है, आपसे प्रश्न इसलिए पूछा था, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, जनरली आपके पेपर में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हैं, जो वैकल्पिक परीक्षाएं हैं, उनमें तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार अगर आप लिखने बैठते हैं परीक्षा को, लिखित परीक्षाएं बैठते हैं, अच्छी जो अव्वल दर्जे की जो परीक्षाएं हैं, तो उनमें आपसे कारण पूछ लिया जाता है कि जो फला अधिनियम आया वो क्यों आया ना, तो उसके पीछे कारण था, इस अधिनियम के पीछे कारण था, क्योंकि एक संयुक्त प्रवर समिति बनाई गई थी एनवर्ड वर्क की अध्यक्षता में, उसने कहा था, सुझाव दिया था कि आप क्या करें, दोषों को दूर करें। दोस्तों तीन प्रावधान मुख्य हैं और इनको फटाफट आप नोट डाउन कर लीजिए, कुछ स्नैपशॉट लेना चाहता है तो वो भी ले लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे जो नेक्स्ट अधिनियम है दोस्तों, वो अधिनियम है आपका 1784 का, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे जो अधिनियम की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कौन से अधिनियम की बात कर रहा हूँ, पिट्स इंडिया एक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो अधिनियम है वो आपका है पिट्स इंडिया एक्ट। अब सबसे पहले आपसे प्रश्न पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, प्रश्न यही है आपसे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके आने के पीछे कारण क्या था, पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था, ये भी बात कर रहे हैं। अगर मैं ये कह दूं, दूसरा प्रश्न आपसे पूछूं कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उससे पहले ब्रिटेन की राजनीति में क्या कोई बहुत बड़ा बदलाव आया था, अगर आया था तो क्या बदलाव आया था, और अगर नहीं आया तो भी किस तरीके का बदलाव नहीं आया, वो मुझे बताया, थोड़ा सा बताएं कमेंट करके, जिन भी लोगों ने पहले राज्य व्यवस्था पढ़ रखी है वो मुझे कमेंट करके जवाब दें कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, क्या उससे पहले ब्रिटेन की व्यवस्थाओं में, ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है या ब्रिटेन की सरकार है, वहाँ कोई बहुत बड़ा फेरबदल हुआ था, अगर हुआ था तो कौन सा फेरबदल हुआ था, और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। क्लियर है, थोड़ा सा कारण दे दीजिएगा मुझे, मैं पूछना ही चाहता हूँ कि क्या ब्रिटेन की सरकार में पिट्स इंडिया एक्ट से पहले कुछ बदलाव आया था, फटाफट कमेंट करके बताएं, अगर आया था तो क्या बदलाव आया था, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो कौन से बिल की देन है, वो भी मुझे बता दीजिए फटाफट कमेंट करके, जिन भी लोगों ने पढ़ रखा है मुझे बताइए फटाफट, चीज़ें डीपली पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं आपके साथ प्रश्न इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि कुछ ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से राज्य व्यवस्था को पढ़ रखा है, बहुत अच्छे से इन अधिनियमों को पढ़ रखा होगा, और जनरली होता है कि पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करना भी आवश्यक है, तो मैं चाहता हूं कि जिन दोस्तों ने बहुत अच्छे से राज्य व्यवस्था को पढ़ रखा है तो प्रश्न मेरे प्रश्न पूछने के माध्यम से आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, और साथ में मुझे भी पता चलता रहे कि आप में से ऐसे कौन से दोस्त हैं जिन्होंने पहले बहुत अच्छे से राज्य व्यवस्था पढ़ रखी है, मुझे बताइए कि जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था वो कौन से बिल का परिणाम था, और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से पहले क्या ब्रिटेन की जो सरकार थी उसमें कुछ बदलाव हुआ था, कुछ बड़ा बदलाव आया था भारत के कारण या नहीं आया था, वो मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, और जिन लोगों को पता है, जिन दोस्तों को पता है कि हाँ सर बदलाव आया था तो क्या बदलाव आया था मुझे बताइए, जिन लोगों को पता है कि हाँ सर हमें बिल का पता है कौन सा बिल पेश किया गया था तो उस बिल का मुझे नाम बता दीजिए। चलिए पढ़ते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, तीसरे अधिनियम की हम बात कर रहे हैं जिस अधिनियम का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूं पिट्स इंडिया एक्ट, तो ध्यान रखिएगा ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन पीट, ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जॉन पीट के नाम पे कहीं ना कहीं इस अधिनियम का नाम क्या है, पिट्स इंडिया एक्ट है। अब बात करूं इस पिट्स इंडिया एक्ट के मुख्य मुख्य प्रावधानों की, तो पिट्स इंडिया एक्ट का प्रावधान इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपसे प्रश्न पूछ रखा है बदलावों के बारे में, इससे पहले जो उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, लेकिन आपके कमेंट की प्रतिक्रिया जो है, आपके प्रतिक्रिया उनका इंतजार कर रहा हूं कि फटाफट मुझे बताएं आप जो दोस्त जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कि इससे पहले ब्रिटेन में क्या बदलाव हुआ था और पिट्स इंडिया एक्ट आने का कारण क्या था।
है ना, ये प्रश्न मैंने पूछ रखा है आपसे, प्रावधान आगे लिख दे रहा हूँ, और प्रावधान लिखने के बाद तब तक आप लोग सारे जवाब भी मुझे दे देंगे, उसके बाद मैं क्या करूँगा आपको बता दूंगा इसका कारण। चलिए पहला प्रावधान की बात करूँ, तो पहला प्रावधान ये था कि पहले, इससे पहले जो दो अधिनियम हमने पढ़े 1773 के अधिनियम की मैं बात कर लूँ या फिर बात कर लूँ 1781 के अधिनियम की, तो उन अधिनियमों में एक ही संस्था का हमने नाम पढ़ा BOD, COP पढ़ा था, COP पढ़ा था, लेकिन COP का काम था केवल और केवल BOD का क्या करना, निर्वाचन करना। लेकिन यहाँ हुआ क्या, यहाँ एक दो संस्थाएं और गठित कर दी गई, या मैं कह दूं कि एक संस्था और गठित कर दी गई। पहले तो क्या हुआ करता था, एक ही संस्था हुआ करती थी BOD, क्या हुआ करती थी BOD। अब BOD के साथ साथ एक और भी संस्था गठित की गई जिसका नाम आप कह सकते हो BOC। अगर मैं आपको डिटेल में इनका फुल फॉर्म बताऊं तो BOD का मतलब तो आपको पता ही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और BOC का मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अब हुआ क्या, रूल ये बनाया गया कि अब जो कंपनी है उस कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया, कंपनी के कार्यों को क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। कहा गया कि भाई अब जो जितने भी व्यापारिक कार्य हैं वो तो कौन करेगा, BOD करेगा, और जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं वो कौन करेगा, BOC करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। यानी कंपनी के कार्य को दो भागों में बांट दिया गया, कहा गया कि जितने भी व्यापारिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर नियंत्रण किसका रहेगा, BOD का, और जितने प्रशासनिक कार्य हैं उनके ऊपर नियंत्रण किसका रहेगा, BOC का। इसी के माध्यम से मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं पहली बार द्वैध शासन, द्वैध व्यवस्था की शुरुआत यहां से हो गई थी। द्वैध व्यवस्था, कंपनी या ब्रिटेन की संसद द्वारा दो तरीके की शासन व्यवस्था को यहाँ से अपना लिया गया था। अब BOD के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है, कितने सदस्य होते थे, सदस्य कौन होते थे, यहाँ इनको बनने के लिए कितने पैसे कंपनी में लगाने पड़ते थे, है ना, इनका सबसे पहले जो गठन हुआ BOD का वो कब हुआ था, 1600 में, बहुत अच्छे से हमने पढ़ रखा है। लेकिन अगर BOC की बात करूँ तो मैंने कहा BOC का गठन कब हुआ, 1784 के अधिनियम के माध्यम से हुआ है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट के माध्यम से हुआ है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं BOC में कितने सदस्य हुआ करते थे। याद रखिएगा BOC में सदस्य संख्या हुआ करती थी दोस्तों, सदस्य संख्या जो हुआ करती थी वो हुआ करती थी 6। कितनी हुआ करती थी, सदस्य संख्या 6 हुआ करती थी। अब BOC में 6 सदस्य संख्या जो हुआ करती थी, BOC में 6 सदस्य संख्या जो हुआ करती थी, उसके उसमें कौन कौन से सदस्य होते थे, कहां कहां से सदस्य होते थे। एक सदस्य तो दोस्तों जो होता था वो होता था ब्रिटेन का वित्त मंत्री। याद रखिएगा BOC की बात कर रहा हूं, ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता था। दूसरा जो सदस्य होता था, यानी एक सदस्य कहाँ से होता था, ब्रिटेन का वित्त मंत्री होता था। दूसरा जो होता था ब्रिटेन का सचिव होता था, वो ब्रिटेन का कोई भी सचिव रैंक का अधिकारी हुआ करता था, एक सदस्य ही हुआ करता था। क्लियर है दोस्तों। चलिए तीसरा जो अधिकारी हुआ करता था, यानी मैं कह सकता हूँ तीसरा जो आप इसमें वर्ग मान सकते हैं वो प्रीवी काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। इसमें 4, कितने सदस्य हुआ करते थे, 4, यानी 1, 2 और 4, टोटल कितने, 6। ये जो आपका BOC हुआ करता था वो कितने सदस्यों को हुआ करता था, 6 सदस्यों को हुआ करता था। और अब प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से किसके ऊपर है, BOC के ऊपर है दोस्तों। अब मैं बात करूं सर ये प्रीवी काउंसिल क्या होता है, प्रीवी काउंसिल क्या होता है। देखिए हमने दोस्तों पिछले अधिनियम में या 1773 का जो अधिनियम पढ़ा था, मैंने कहा था आपको, मैंने जिक्र किया था 1773 में पहली बार उस अधिनियम में, थोड़ा शायद मैंने ये छोड़ दिया एक प्रावधान, वो बता देता हूँ प्रीवी काउंसिल के बारे में। प्रीवी काउंसिल क्या था 1773 में, यहाँ बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा 1773 के बारे में। 1773 में हमने पढ़ा था कि एक सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वर्तमान जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास अंतिम अपीलीय अधिकार का मतलब है कि यदि आपने किसी प्रकार का अपराध कर दिया,
तो सबसे पहले हो सकता है आपको मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा दंड दिया जाए, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दंड दे दिया जाए, उसके बाद आप हाई कोर्ट आ सकते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको दंडित किया, तो भारत में आप वर्तमान में आपके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आप किसी न्यायालय में बदलवा लें या चेंज करवा लें। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बदला नहीं जा सकता। एक कंडीशन को छोड़ दें, आप मृत्युदंड को छोड़ दें, मृत्युदंड के संबंध में जो मामले हैं उनको आप छोड़ दें। मृत्युदंड के मामलों को भारत का राष्ट्रपति जो महामहिम जो हैं हमारे वो माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बाकी अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कोई भी न्यायालय नहीं बदल सकता। हाँ, सुप्रीम कोर्ट स्वयं जरूर बदल सकता है। यानी वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो भारत में अंतिम जो केंद्र है अपील का वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन मैं अगर अंग्रेजी समय की बात करूं, 1773 के सुप्रीम कोर्ट की बात करूं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसके पास अंतिम अपील अधिकार नहीं होता था। अंतिम अपील अधिकार का मतलब ये है कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय की तरह है, ऐसा नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को खुद सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई नहीं बदल सके, ऐसा नहीं था। एक संस्था हुआ करती थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को भी बदला जा सकता था, बशर्ते आप सुप्रीम कोर्ट को निर्णय, अगर आपको लगता है कि 1773 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कोई गलत निर्णय दिया, 1773 के इस न्यायालय ने, और आपको लगता है कि निर्णय गलत है, मुझे इस निर्णय को बदलवाना है, चेंज करवाना है, तो आप कहाँ जा सकते थे, प्रीवी काउंसिल जा सकते थे। कहाँ जा सकते थे, प्रीवी काउंसिल जा सकते थे। प्रीवी काउंसिल कहाँ होती थी दोस्तों बनी हुई, ये लंदन में होती थी। कहाँ होती थी, लंदन में। और ये एक ब्रिटेन के जो शासक हैं, ब्रिटेन का जो क्राउन है, ब्रिटेन के क्राउन द्वारा बनाई गई एक संस्था हुआ करती थी। यानी 1773 में गठित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कौन बदल सकता था, प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल कहाँ होती थी, लंदन में। कहीं ना कहीं एक बहुत जटिल प्रक्रिया थी उस समय, क्योंकि हमारे भारत में उस समय शिक्षा इतनी थी नहीं, है ना, और अगर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चैलेंज करना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, लंदन जाना पड़ेगा। लोगों को आने जाने की इतनी समझ नहीं थी उस समय, तो बहुत जटिल प्रक्रिया आप कह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय से उस समय के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों में थोड़ा अंतर था। वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कहीं भी अपील नहीं की जा सकती, सर्वोच्च न्यायालय अंतिम केंद्र माना जाता है। स्वयं सर्वोच्च न्यायालय खुद के निर्णय को बदल सकता है, बाकी अन्य न्यायालय नहीं बदल सकता। अपवाद के रूप में मृत्युदंड को कौन बदल सकते हैं, हमारे महामहिम जो हैं भारत के राष्ट्रपति बदल सकते हैं, बाकी कोई व्यक्ति नहीं बदल सकता। लेकिन उस समय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कौन बदल सकता था, प्रीवी काउंसिल बदल सकता था। तो यही प्रीवी काउंसिल जो है, इसी प्रीवी काउंसिल के चार सदस्य कौन हुआ करते थे, यहाँ हुआ करते थे, किसमें, BOC में। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्रिटेन की संसद के दो प्रतिनिधि और ब्रिटेन के राजा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ब्रिटेन के राजा, ये प्रीवी काउंसिल में सदस्य किसके द्वारा बनाए जाते थे भाई, राजा द्वारा। तो कहीं ना कहीं चार प्रतिनिधि किसके होते थे भाई, चार प्रतिनिधि ब्रिटेन की संसद के होते थे। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे अगर मैं बात करूँ, जो मैं प्रश्न आपसे पूछा था, मैंने कहा था भाई क्या हुआ था ऐसा, कौन से बदलाव आए थे ब्रिटेन की सरकार में जो यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो दोस्तों हुआ क्या, ये बात है लगभग 1784 के आसपास की, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले की बात है। एक बिल पेश किया गया था ब्रिटेन की सीनेट में, ब्रिटेन की सीनेट नाम ले रहा हूँ, तो आपको सीनेट के बारे में पहले मैंने बता दिया कि सीनेट क्या थी, है ना, तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। सीनेट नाम लेने का मतलब है ब्रिटेन की संसद की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको बताने क्या जा रहा हूँ, बताने ये जा रहा हूँ दोस्तों कि 1784 का जो अधिनियम आया था, कौन सा, पिट्स इंडिया एक्ट। इस पिट्स इंडिया एक्ट से पहले क्या बदलाव हुआ था ब्रिटेन में, जिसका परिणाम क्या रहा, पिट्स इंडिया एक्ट का आना भारत में रहा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सीनेट की, तो 1784 से कुछ समय पहले इस अधिनियम से, मतलब पिट्स इंडिया एक्ट आने से कुछ समय पहले, सीनेट में एक बिल पेश किया गया। जैसे वर्तमान में हमारे संसद में भी आपने सुना होगा ये विधेयक पेश हुआ, ये बिल पेश हुआ, तो ब्रिटेन की संसद में भी विधेयक पेश होते होंगे, बिल पेश होते होंगे, वैसा ही बिल पेश हुआ। इसे डांडाज बिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डांडाज बिल। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डांडाज, और उन्हीं के नाम पे इस बिल का नाम था डांडाज बिल। ठीक है, डांडाज बिल पेश किया गया। कब मैं बात कर रहा हूँ, 1784 की, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था उससे कुछ समय पहले की बात है। अभी बिल क्या पेश किया गया, डांडाज ने कहा, ध्यान रखिएगा सीनेट में उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लॉर्ड नॉर्थ। कौन था इस समय पीएम, कौन थे ब्रिटेन के सीएम, वहां की बात करूं पीएम कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ। ध्यान रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ। तो डांडाज जो थे वो कहीं ना कहीं लॉर्ड नॉर्थ के विपक्ष में थे, नॉर्थ के विपक्षी नेता थे,
और उन्होंने बिल पास किया तो उस बिल में क्या प्रावधान थे, उस बिल में प्रावधान ये थे, इन्होंने बात कही कि जो भारत में गवर्नर हैं, भारत में जो गवर्नर हैं, भारत में जो कंपनी शासन कर रही है उसकी व्यवस्था में कहीं ना कहीं खामियां हैं, वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है भारत में, तो आप क्या करें, भारत का जो गवर्नर जनरल है उसको वापस बुलाएं। यानी इस बिल में क्या कहा गया था, मैंने आपको बताया था भारत में गवर्नर, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए, तुरंत कमेंट करके बताइए कि 1773 में, 1773 के बाद, या मैं 1784 की बात करूँ तो यहाँ गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, मुझे फटाफट कमेंट करके बताइए, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बताइए। तो इस बिल में कहा गया था, विपक्ष के नेता थे, इस बिल के प्रावधान क्या थे, इस बिल का प्रावधान ये था कि आप क्या करें, जो बंगाल का गवर्नर है, फटाफट बताइए मुझे बंगाल का गवर्नर कौन था, बंगाल का जो गवर्नर है उसको वापस बुलाया जाए, बंगाल के गवर्नर को वापस बुलाया जाए। और ऐसा जो प्रस्ताव है किसके सामने रखा गया था, ऐसा प्रस्ताव रखा गया था BOD के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने, किसके सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा जाने की बात कही गई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने क्या कहा गया, विपक्ष के नेता थे डांडा, जो उन्होंने कहा, एक बिल पेश किया ब्रिटेन की सीनेट में, कहा कि बंगाल के गवर्नर को वापस बुलाएं क्योंकि बंगाल में जो व्यवस्था में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, व्यवस्था में बहुत ज़्यादा खामियां हैं। एक मिनट में थोड़ा सा क्लास का समय देख लेता हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने क्या कहा, कहा गया कि जो बंगाल है, बंगाल में क्या करा जाए भाई, गवर्नर को वापस बुलाया जाए। और मैंने कमेंट में आपसे पूछा है बंगाल का गवर्नर जनरल, उसमें बंगाल का गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग्स को वापस बुलाया जाए क्योंकि वहाँ पे ये बहुत ही भ्रष्टाचार तरीके से, भ्रष्ट तरीके से कार्य कर रहे हैं, ऐसा सिफारिश की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस बात पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ध्यान नहीं दिया, आप ये कह सकते हैं, है ना। और ये बिल भी जो है, ये बिल जो है वो भी ब्रिटेन की सीनेट में पास नहीं हुआ, ब्रिटेन की सीनेट में ये बिल भी पास नहीं हुआ। और ये बिल जैसे ही पास नहीं हुआ ब्रिटेन में, ब्रिटेन की सीनेट में, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उथल पुथल हुआ राज व्यवस्था में, वहाँ की व्यवस्थाओं में। तो उसके बाद जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, देखिए अभी बात हो रही थी विपक्ष के एक नेता थे, है ना, डांडाज की मैं बात, डांडाज बिल जिसे कहा जाता है, है ना। और थोड़ी कुछ ही समय की बात करूं तो जो पक्ष के नेता थे लॉर्ड नॉर्थ, प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने भी एक बिल पास किया। और उस बिल में क्या कहा गया, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ बिल्कुल ये सही बात है। मैंने एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, मैंने कहा कि जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट आने का कारण ये था कि ब्रिटेन की सीनेट में एक डांडाज बिल पेश किया गया, विपक्ष के नेता थे उन्होंने पेश किया, उन्होंने कहा कि बंगाल में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, गवर्नर लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो वहाँ के गवर्नर को वापस बुलाया जाए और कोई और अलग से व्यवस्था की जाए कंपनी के प्रशासन के संबंध में, कंपनी के संचालन के संबंध में। और ऐसी सिफारिश BOD से भी करी गई थी, BOD ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये बिल पास नहीं हो पाया था, इसे डंडाज बिल के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय बाद ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी इस बात को उठाया और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई ये बात सही है कि भारत में जो गवर्नर व्यक्ति जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ फैला रहे हैं, बहुत गलत तरीके से प्रशासन किया जा रहा है, तो आप क्या करें कि गवर्नर को वापस बुलाएं और ये जो शासन व्यवस्था है कंपनी का, वहाँ जो अधिकार है, भारत में कंपनी के जो क्षेत्र हैं या उनको संचालित करने का जो नेतृत्व करने का जो प्रावधान है वो अलग से कमेटी बनाई जाए, क्या करी जाए, कमेटी बनाई जाए। और इस कमेटी में सात क्या होने चाहिए, सदस्य होने चाहिए, सात सदस्य होने चाहिए। और इन सात सदस्यों को आप क्या बना दो, कमिश्नर बना दो, क्या कर दो, कमिश्नर बना दो, कहाँ के, वहाँ के कमिश्नर बना दीजिए, भारत के उन क्षेत्रों के जहाँ पे आपको शासन करना है। यानी एक कमेटी बनाइए, कमेटी सात सदस्यों की, सात सदस्य क्या बना दीजिए, कमिश्नर, और इन कमिश्नर को क्या सौंप दीजिए, वहाँ का आप कह सकते हो जिम्मेदारी सौंप दीजिए, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे प्रशासन की बात हो, चाहे व्यापार की बात हो। ये बात कही गई थी लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। और जब ये बिल भी पेश किया गया तो इस बिल को भी कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि सीनेट में पास नहीं होने दिया गया। और जैसे ही सीनेट में ये बिल पास नहीं हुआ तो ब्रिटेन के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, उन्होंने इस बात से नाराज होकर क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया। और जैसे ही लॉर्ड नॉर्थ ने त्यागपत्र दिया दोस्तों,
तो आइए, जैसे मैंने कहा था, क्या ब्रिटेन की व्यवस्थाओं में कोई बदलाव आया, ब्रिटेन की सरकार में बड़ा बदलाव आया? बिल्कुल हाँ, बहुत बड़ा बदलाव आया। ऐसा पहली बार हुआ था कि भारत के संबंध में, भारत के किसी मसले पे ब्रिटेन की सरकार गिर गई हो, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री जो है उसने इस्तीफा दे दिया हो, लॉर्ड नॉर्थ ने अपना त्यागपत्र दे दिया था, और त्यागपत्र देते अगले जो प्रधानमंत्री वो बने जॉन पीट, और जॉन पीट ने भी कुछ ना कुछ जो है इस ऐसे ही संशोधन जॉन पीट लेके आए, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ इनसे थोड़ा सा अलग था। और जॉन पीट का ये विधेयक है वो ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ, और ब्रिटेन की संसद में पारित होते ही कहीं ना कहीं जॉन पीट ने क्या कर दिया, जो यहाँ का जो यहाँ के लोग जो लोग थे, प्रतिनिधि जो थे कंपनी के कहीं ना कहीं काम करने वाले, जिन लोगों के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था कि भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको नियंत्रित कर दिया गया। नियंत्रित कैसे किया गया? बीओसी के माध्यम से कहा गया कि अब आप बीओडी केवल व्यापारी व्यापार करेगा, प्रशासन कौन करेगा भाई? बीओसी करेगा, और बीओसी में भी सारे लोग भ्रष्ट नहीं हो, इसलिए कहीं ना कहीं दो तरीके के अलग अलग कैटेगरीज बना दी गई। कहा गया कि भाई दो सदस्य तो कहाँ से होंगे? ब्रिटेन की संसद से, और कहीं ना कहीं चार सदस्य कहाँ से होंगे? क्राउन का प्रतिनिधित्व करने वाले भी व्यक्ति होंगे। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक समझ आ गया होगा। नोट करना चाहते हैं तो फटाफट नोट करिए, स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। चलिए दोस्तों, अगले प्रावधान की बात करते हैं। एक ही प्रावधान हमने पढ़ा है अधिनियम का। अगला जो मुख्य प्रावधान था वो प्रावधान ये किया गया कि अब जो कंपनी के कर्मचारी हैं, वो कंपनी के कर्मचारी किसी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं कर सकते, भारतीय लोगों से किसी प्रकार का उपहार स्वीकार नहीं करेंगे, ऐसा प्रावधान किया गया। कौन से अधिनियम के माध्यम से? फिट्स इंडिया अधिनियम के माध्यम से। अगला जो मुख्य प्रावधान किया गया वो तीसरा प्रावधान ये किया गया कि गवर्नर की परिषद में क्या किया गया दोस्तों? पहले हमने पढ़ा था सदस्यों की संख्या कितनी होती थी, गवर्नर की परिषद में सदस्य संख्या होती थी 4। अब यहाँ से एक सदस्य संख्या क्या कर दी गई? माइनस कर दी गई, यानी गवर्नर के परिषद की सदस्य संख्या कितनी कर दी गई? 3 कर दी गई। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ। चौथा जो महत्वपूर्ण बदलाव, अगर मैं बात करूँ चौथे बदलाव की, तो चौथा जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो ये हुआ, अब हुआ ये कि मैंने जैसे कहा था ये बिल ही मैन किस बात पे, ये जो एक्ट ही था, अधिनियम ही जो था, वो किस बात पे आया था कि भाई जो ब्रिटिश लोग हैं वो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, भारत में अच्छे से व्यवस्था नहीं चला रहे, तो भ्रष्टाचार फैलाने के संबंध में ही वहाँ पे ब्रिटेन में एक सत्ता परिवर्तन भी हुआ था, सरकार भी गिर गई थी, मैंने आपको ये कहा था। ऐसा ही कुछ जो है प्रावधान इनको भी पता था, लॉर्ड नॉर्थ को, तो लॉर्ड नॉर्थ ने कहा कि अगर ब्रिटेन का कोई भी कर्मचारी, कोई भी अंग्रेज व्यक्ति कुछ भी गलत करता है भारत में, तो उसको दंड दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ एक रूल ये बनाया गया, चौथा जो महत्वपूर्ण प्रावधान था कि ब्रिटिश जो कर्मचारी हैं अगर ब्रिटेन के कर्मचारी किसी तरीके की कोई गलत गतिविधि करते हैं, गलत कार्य करते हैं, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, उनके खिलाफ क्या करा जाएगा? केस करा जाएगा, उनके ऊपर कार्यवाही करी जाएगी, और इस कार्यवाही के संचालन के लिए एक न्यायालय स्थापित किया गया। क्या हुआ? कार्यवाही के संचालन के लिए न्यायालय स्थापित किया गया, और न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया? लंदन में। यानी कहीं ना कहीं कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश की गई कि अब अगर ब्रिटिश कर्मचारी किसी तरीके की गलत गतिविधि का काम करेंगे, गलत गतिविधि को अपनाएंगे, तो उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। कहाँ मुकदमा चलाया जाएगा? लंदन में मुकदमा चलाया जाएगा, लंदन में ब्रिटिश कर्मचारियों के लिए जो भारत में काम कर रहे थे भ्रष्टाचार संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायालय की स्थापना हुई। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान एक ये भी था। 4 प्रावधान इस अधिनियम के महत्वपूर्ण थे। चलिए फटाफट स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं।
चलिए आगे जो बात कर रहे हैं दोस्तों, आगे जो अधिनियम बना वो 1786 का अधिनियम था। ये अधिनियम जो है, इस अधिनियम में दो बदलाव किए गए, कहीं ना कहीं वो भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं आपके लिए, मुख्य बदलाव हो जाते हैं आपके लिए। कौन कौन से अधिनियम थे बात कर लेते हैं। पहला जो अधिनियम था, सॉरी कौन से प्रावधान थे, 1786 के अधिनियम की बात कर रहा हूँ, 1786 का अधिनियम। इस अधिनियम में पहला जो प्रावधान था, पहला प्रावधान था बंगाल का जो गवर्नर था, यानी गवर्नर जो जनरल था, गवर्नर जनरल, ऐसा पहली बार हुआ था कि गवर्नर जनरल को विट्टो का अधिकार दे दिया गया हो। किसका अधिकार दे दिया गया हो, विट्टो का अधिकार दे दिया गया हो। ध्यान रखिएगा, विट्टो का अधिकार का मतलब क्या है। विट्टो के अधिकार का मतलब यह है कि पहले जो रूल बनाती थी, मैंने आपको पहले ही बताया था, रूल बनाने का काम गवर्नर की किसका होता था, परिषद का होता था, और कहीं ना कहीं गवर्नर की परिषद के साथ गवर्नर को क्या होना पड़ता था, सहमत होना पड़ता था, क्योंकि गवर्नर की परिषद जो है वो कोई भी रूल बनाती थी। लेकिन दोस्तों, अगर बात करूं यहाँ पे इस रूल के तहत, ये जो है इस प्रावधान के तहत ये नियम बनाया गया कि अब जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वो विट्टो का प्रयोग करे, यानी वो चाहे तो परिषद के साथ सहमति या असहमति बता सकता है, अपनी सहमति या असहमति दर्शा सकता है। यानी पहली बार अधिकार दिया गया कि गवर्नर अपनी काउंसिल के विरुद्ध, अपनी कमेटी के विरुद्ध असहमति बता सकता है। अगला जो अधिनियम बात करें, इस अधिनियम का अगला जो प्रावधान बात करें, लास्ट प्रावधान इस अधिनियम का, दूसरा जो अधिनियम है दोस्तों, ये कहा गया कि अब जो भारत का जो गवर्नर जनरल, यानी ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल होगा, ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल होगा वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होगा। यानी उसको सेनापति की उपाधि दे दी गई, कहीं ना कहीं अधिकार दे दिया गया। कौन सा सेनापति, प्रधान सेनापति, प्रधान सेनापति, यानी गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति बना दिया गया कि गवर्नर जनरल सेना का जहां चाहे प्रयोग कर सकता है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रधान सेनापति बनने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कार्नवालिस। कार्नवालिस प्रधान सेनापति बनने वाले प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों जो अधिकार हैं, विट्टो का अधिकार और ये तीनों सेनाओं के अध्यक्ष वाला जो अधिकार है, ये कहीं ना कहीं हमारे वर्तमान में आपको राष्ट्रपति के पास भी देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति के पास विट्टो का अधिकार है या तीनों सेनाओं के अध्यक्ष होने का अधिकार है, वो कहीं ना कहीं इसी अधिनियमों के इन्हीं प्रावधानों से प्रेरित है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरीके की दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आपको सारी चीज़ों का जवाब तुरंत दे दिया जाएगा। फिर भी अगर कमेंट बॉक्स में आपको जवाब नहीं दिया जाता दोस्तों, तो कोशिश करेंगे कि अगले दिन क्लास में आपको उस सवाल का जवाब दे दिया जाए। हमारी ये मुहिम है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी करेंगे, ताकि हमारी जो मुहिम है वो बहुत अच्छे से चलती रहे। हमारा जो प्रयास है दोस्तों, वो आप ही के लिए प्रयास किया जा रहा है, इसलिए आप भी प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे। किसी तरीके की कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप बता सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपका जो प्यार मिला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।